तो अनफॉर्चुनेटली बाइक जो है वो हमारा पंक्चर हो गया है। को ज़ूम मैं करता हूँ, ये जो पट्टी नज़र आ रही है लाइट्स की, ये LOC है। और वो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ना, वो बड़ी वाली, उसके ऊपर अकेला कर जाए। जब भी आप किसी को बताए ना कि मैं खुरेटा गया था, तो पहला सवाल वो आपसे यही पूछता है कि दरबार में तोती देखा। यहाँ खुरेटा की जो है वो स्पेशल मिठाई है। डॉक्टर साहब ने तो पूरा बाइक अपना खोल के रखा है। जी ये अभी हम निकले थे जो है वो कोटली वाली साइड के लिए। रात को खुरेटा हमने डॉग ममून के घर स्टे करना था, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली बाइक जो है वो हमारा पंक्चर हो गया है। और फॉर्चुनेटली हमें जो है जहाँ पंक्चर हुआ है उसके करीब ही एक दो मिनट के फासले पे ये शॉप मिल गया। अभी यहाँ से हम जो है वो पंक्चर लगवाएंगे बाइक का। उधर पीछे PSO पंप पे हमें थोड़ा सा था डाउट, लेकिन वहाँ जो था मैकेनिक उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है बाइक, तो वरना ये मुसीबत ही ना हमें पड़ती, वहीं से ठीक करवा लेते। ये नीचे सारी जी वादियां बना है, और ये सारी नीचे जो है वो आपको जो लाइट्स नज़र आई हैं ये होम्स की लाइट्स हैं। और वो जो पीछे आपको ज़ूम मैं करता हूँ, ये जो पट्टी नज़र आ रही है लाइट्स की, ये LOC है, और ये इंडियन बॉर्डर पे लाइट्स लगी हुई हैं। हेलो एवरीवन फ्रॉम खुरेटा। सुबह हुई है, जागे हैं, मुंह वगैरह धो के ब्रश करके मेमून के घर से अभी हम निकलने लगे हैं ज़रा खुरेटा देखने के लिए। रात को सफ़र की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद रास्ते में एक दफ़ा टायर भी पंक्चर हुआ, वो ट्यूब भी फारिग हुई, उस सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रात 11:30 बजे हम खुरेटा पहुंच गए थे, और डिनर करके तो आराम से सो गए। तो अभी आज का दिन हम खुरेटा और कोटली कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जहां जहां जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्पॉट इज़ किला करजई, इन द बैकग्राउंड यू कैन सी मेमून, वो अब आगे कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे अगले प्रोग्राम के लिए। तो मिलते हैं आपको किला करजई के रास्ते में। जी Day 3 का आगाज हो चुका है, और अभी अभी हम जो है वो शेक्स वगैरह पी के चल पड़े हैं। सबसे पहले हम वो जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये जो दरख्तों के पीछे है, इधर जाके हम जो है वो थोड़ी देर व्यू वगैरह लेंगे, और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, बाज़ार तब तक ओपन हो जाएंगे, तो वो करके और फिर वापस आके नाश्ता वगैरह ले करके चेंज करके और फिर हम जाएंगे अपनी अगली मंजिल। फिलहाल हम इस पहाड़ी वाली साइड पे जा रहे हैं टू कैप्चर सम व्यूज फ्रॉम देयर।
सीन रोड। पहुंच गया फाइनली। फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स लॉन्ग हम्पी बम्पी राइड, हियर वी आर एट खुइरट्टा व्यू पॉइंट। और यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ठीक है, मैमून भाई का होम टाउन है तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, कहाँ तक हमारा इलाका है, कहाँ पे आगे LOC है। ये आगे एक बड़ी खूबसूरत चट्टान पे विराजमान व्यू का नज़ारा लेते हुए डॉक्टर मोहसिन अहमद साहब, बिल्कुल अलग दुनिया से, अलग थलग अपने ख्यालात में गुम, कुछ सोच रहे हैं। और मैमून से फाइनली हम पूछते हैं इस वैली की डायमेंशन वगैरह के बारे में। जी मैमून साहब जी, एक्सप्लेन करें ना ज़रा। ये जितना भी इलाका है ना, इसे वादी बना कहते हैं। सही है, ये जितना भी है यहाँ से, ये जो नजर आ रहा है ना, इसे सारा, अब इसमें डवीन इस तरह से है, ये जो करीब करीब वाला सारा इलाका है ना, ये वाला सामने वाला, इसे बंडली कहते हैं, मतलब ये वाला जो है जितना भी। इसके अलावा ये जो आगे वाला इलाका है इसे सेरी कहते हैं, ये पूरा वो आगे तक, और वो सामने वो जो मीडोज नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे आबादी नहीं है, यहाँ पे इससे LOC की जो लाइन है वो इससे पीछे है। मतलब वो जितना भी इलाका नजर आ रहा है ना उस साइड पे, जहाँ पे आबादी थोड़ी कम है, वो सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और वो सामने वो जहाँ पे वो अलग वाली पहाड़ी नजर आ रही है ना, जिसपे ऊपर वो टावर सा लगा हुआ है, वो हाँ। भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ है। उसके अलावा इस साइड पे आ जाए तो वो जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है ना बड़ी वाली, उसके ऊपर अकेला कर जाए। उसके अलावा उसी के नीचे वो जो आबादी है, जहाँ पे वो बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है, ये खुरेटा बाजार है। इसके अलावा ये जो है, ये पूरा जितना भी इलाका है ना, वहाँ से लेके ये जितना भी नजर आ रहा है करीब करीब, ये सारा बंडली है। सही है, मेरा घर भी इधर ही है, वो सामने नीचे। हाँ, मंडली जहाँ से सुबह आपको गुड मॉर्निंग बोला, तो ये सारा खुइरट्टा है।
दैट वाज ऑल फ्रॉम वादी बना व्यू पॉइंट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी हम चलेंगे किला करजई की तरफ, तो चल के आपको किला करजई दिखाते हैं। ये हमारा क्रू, अभी हम दो बाइक्स पे ही हैं क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। घर नाश्ता मकई के पराठे और साथ साग। अच्छा तो गाइस राइट नाउ वी आर हियर एट दरबार माई तोती साहिबा। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे खुरेटा पे। जब भी आप किसी को बताएं ना कि मैं खुरेटा गया था, तो पहला सवाल वो आपसे यही पूछता है कि दरबार माई तोती देखा। तो इसलिए हम आपको दरबार माई तोती दिखाते हैं। आप खुरेटा की जो है वो स्पेशल मिठाई है जो हम ममून साहब लेके आए हैं और हमें ट्राई करनी है। ये किससे बनती है मिठाई जी? ये यहाँ की जो है वो मशहूर सौगात है जो अभी हम ट्राई करेंगे। कैसा था नुमान साहब इसका टेस्ट? ये हम यहाँ पर खुरेटा बाजार में जी लसानी ऑप्टिक्स पे खावर भाई की दुकान पे। मौलवी साहब को इनके अलावा कहीं के फ्रेम पसंद नहीं आते, क्यों ममून भाई? तो स्पेशल हमने मीरपुर वाला सफर भी ये इस टूटी भजी ऐनक में करके यहाँ पर आए हैं कि इन्होंने ऐनक यहीं से बनवानी है। तो अगर आपको यहाँ पर आए और जरूरत हो तो यहाँ से ऐनक बनवा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि शादी करके बीवी के नखरे उठाने पड़ते हैं, ऐसे ट्रिप पे निकल के बाइक के नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो अभी सारे बाइकर्स हजरात बाइक के नखरे उठा रहे हैं, अपनी अपनी बाइक के मैकेनिकी खुद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो पूरा बाइक अपना खोल के रखा है और मेरे वाले के जस्ट बल्कि कोई काम नहीं है।